हम बनाएंगे पनीर भुर्जी रेस्टोरेंट स्टाइल घर पे। पनीर भुर्जी बहुत अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, लेकिन आप इस तरीके से बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा पनीर भुर्जी। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए पनीर भुर्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। पनीर भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें पनीर बनाना है। आप चाहें तो मार्केट से भी पनीर ला सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। मैं तो आज पनीर घर पे ही बनाऊंगी, क्योंकि घर के पनीर से पनीर भुर्जी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो पनीर भुर्जी पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई में मैंने दूध को डाल दिया है और हम इसे अच्छे से उबाल लेंगे। उबालने से पहले हम थोड़ा सा इसमें आधा चम्मच विनेगर ऐड करेंगे। विनेगर ऐड को मिक्स कर देंगे दूध में और दूध को उबलने के लिए गैस पर रख देते हैं। तो ये देखिए, मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से विनेगर को, और विनेगर और दूध को हम गैस पर उबलने के लिए रख देते हैं। तो गैस पर हमें उबालना है दूध को अच्छे से पहले। तो ये देखिए, दूध उबलना स्टार्ट हो गया है, दूध काफी अच्छे से उबल चुका है। अब हम इसमें आधा चम्मच और भी विनेगर डाल देंगे। तो ये देखिए, दूध में मैंने आधा चम्मच और विनेगर डाल दिया और दूध अच्छे से फट चुका है और पनीर बनना स्टार्ट हो गया है। देखिए, काफ़ी अच्छे से पनीर बन चुका है। अब हम इसे एक छन्नी में छान लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे छन्नी रख लिया है और मैं इसे छन्नी में छान लेती हूँ। पानी अलग कर दिया है, पनीर अलग कर दिया है और इसको काफ़ी अच्छे से मैंने छान लिया है। आइए हम यहाँ पर कुछ सब्जियाँ देख लेते हैं। तो आज मैं पनीर में स्वीट कॉर्न भी डालने वाली हूँ। स्वीट कॉर्न डाल के पनीर भुर्जी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो स्वीट कॉर्न को पहले हम बॉयल कर लेंगे, हम पहले इसे अच्छे से पका लेंगे। तो स्वीट कॉर्न को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। आधा चम्मच मैंने नमक डाल के, पानी डाल के मैंने पकने के लिए रख दिया है गैस पर। अब इसको हम अच्छे से पका लेंगे। पकाने के बाद ये देखिए, पक चुका है काफ़ी अच्छे से। हम इसे एक छन्नी से छान लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे छन्नी में छान लिया है स्वीट कॉर्न को। आइए अब कुछ सब्जी चॉप करके रख लेते हैं पनीर भुर्जी में डालने के लिए, क्योंकि आज हमें बहुत सारे मिक्स सब्जी डाल के, वेजिटेबल्स डाल के हमें पनीर भुर्जी बनाना है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बहुत ही टेस्टी खाने में लगेगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे दो ग्रीन चिल्ली लिया था, यानी हरी मिर्च, और मैंने इसे छोटे छोटे में चॉप कर लिया है इस तरीके से। मैंने हाफ शिमला मिर्च ले लिया था, शिमला मिर्च को भी मैंने चॉप कर लिया है, छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लिया है। अब कुछ यहाँ पर गाजर चॉप कर लेते हैं। आपके घर में जो भी सब्जी है, आप उस तरीके से डाल के आप बना सकते हैं। आप इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं, गोभी भी ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे कुछ भी आपके पास जो भी सब्जी है, आप घर में जो भी आपको सब्जी अच्छी लगती है आप इस तरीके से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर दो मैंने मीडियम साइज का प्याज ही कट कर, प्याज चॉप कर लिया है। बहुत बारीक बारीक पीसों में आपको काटना है। मैंने यहाँ पे दो टमाटर भी चॉप करके रख लिया है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे धनिया पत्ता चॉप करके रख लेती हूँ। आज हम बनाएंगे घर की सब्जियों से पनीर भुर्जी। जो घर में पड़ी हुई सब्जियाँ हैं उसी से हमें पनीर भुर्जी बनाना है। तो ये देखिए, ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। मैंने दो चम्मच बड़े चम्मच से मैंने ऑयल डाला है। ऑयल काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। जीरा को पहले अच्छे से चटकने देना है, चटक जाए जीरा। उसके बाद हमें प्याज डालना है और प्याज को हमें हल्का ब्राउन तक फ्राई करना है। तो इस तरीके से आप पनीर की भुर्जी आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। हम घर पे बना सकते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर भुर्जी। तो ये देखिए, प्याज ब्राउन हो चुका था तो मैंने यहाँ पे टमाटर भी डाल दिया है। अब टमाटर को और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आइए हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं, जो सिंपल सा मसाला हमारे घर में होता है, बेसिक मसाला। पहले मैंने हाफ चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है, एक चम्मच मैंने धनिया पाउडर, हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाला है। आप चाहें तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम यहाँ पे एक एक करके सब्जी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले गाजर डाला है, उसके बाद मैंने यहाँ पे स्वीट कॉर्न डाल दिया है। हमारे पास मटर नहीं था तो मटर की जगह पे मैंने स्वीट कॉर्न का यूज किया है। आप चाहो तो मटर भी डाल सकते हो, स्वीट कॉर्न भी, दोनों ही डाल सकते हो। हम स्वीट कॉर्न और गाजर को पहले थोड़ा सा पका लेंगे। ये देखिए, गाजर थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे, अच्छे से पक जाएगा। इसमें गाजर और स्वीट कॉर्न को पकने में कम से कम 2 से 3 मिनट लगेगा। तो ये देखिए, काफी अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पे एक कटोरी मलाई और साथ में दूध ऐड किया है मैंने।
मलाई और दूध डालने से सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, पनीर भुर्जी, और इसमें बहुत अच्छा सा एक ग्रेवी का टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, एक अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। अब हमने जो पनीर बना के रखा था एक कटोरी, हम पनीर भी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, हम बाहर से पनीर लाते हैं, फिर हम उसे घिसते हैं या तोड़ते हैं, इससे अच्छा है घर में पनीर बना लो तो उससे बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैंने घर के पनीर यूज़ किया है, मैंने घर पर बनाया था। तो पनीर डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स करके अब थोड़ा सा ऊपर से धनिया पत्ता मैंने अच्छे से डाल दिया था, और ये देखिए पनीर भुर्जी की कितना अच्छा कलर लग रहा है, इसकी खुशबू यकीन मानिए बहुत अच्छा आ रहा है, और सब्जी बन के बहुत टेस्टी तैयार हुआ है। आइए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आप चाहो तो इसे रोटी के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हो, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इस तरीके से आप पनीर भुर्जी बनाए रेस्टोरेंट स्टाइल घर पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फैमिली में, दोस्त में, और अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। आप इस ट्रिक को जरूर यूज़ करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये रेसिपी।